नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। आप सबको छठ पर्व की बधाई। लेकिन छठ पर्व के शुभ अवसर पर एक इतनी दुखद खबर कल रात में मिली कि छठ गीतों को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाली जो मधुर आवाज थी वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। शारदा सिन्हा अब नहीं रही। शारदा सिन्हा का कल रात एम्स में लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। और द न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से, हम अपने दर्शकों की तरफ से शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही जो छठ पर्व पर लोगों का उत्साह होता था, गाने तो शारदा सिन्हा के ही बजेंगे, लेकिन शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं होंगी। लेकिन क्या इसी तरह से छठ पर्व का उत्साह जो दूसरे वर्षों में हुआ करता था, इस वर्ष भी बना रहेगा? चलिए, आज कल और परसों, इन तीन दिनों में हम देखते हैं कि किस प्रकार का उत्साह है। और अब चर्चा शुरू करते हैं बिहार की सियासत में जो परिस्थितियां बन और बिगड़ रही हैं। बिहार में दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी ने कुछ लोग जो हवा में उड़ा रहे थे, अब वो हवा में उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि एनडीए को बहुत बड़ी संख्या में डेंट लगाती हुई नजर आ रही है। तरारी को छोड़ दे तो बिहार के चार सीटों में से तीन सीटों पर, यानी रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, इन तीन सीटों पर कड़ी टक्कर में दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर के उम्मीदवार। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी का बेलागंज में बैंड बज जाएगा? क्या मोदी फैक्टर और तेजस्वी फैक्टर ये दोनों रामगढ़ में हवा हो जाएंगे? क्या सुरेंद्र यादव की अपील बेलागंज में फेल कर जाएगी? और क्या एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण की, सब क्लासिफिकेशन की मांग करने वाले, यानी पासवान और रविदास समाज को छोड़कर बाकी दलितों को एक अलग कैटेगरी में आरक्षण की मांग करने वाले जीतन राम मांझी के लिए क्या इमामगंज भारी पड़ जाएगा? और इन सब के बीच जब भाजपा का वोट ही नहीं मिलेगा तो क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ बने रहेंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले, चूंकि आप भावनात्मक रूप से भी शारदा सिन्हा से जुड़े रहे, क्या आपको लगता है शारदा सिन्हा के जाने से जो खालीपन आया बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, यानी भोजपुरी भाषी दर्शकों के बाहर, तो पहली बार लोगों ने राजश्री की जो फिल्म आई थी, राजश्री प्रोडक्शन की, हम आपके हैं कौन, उसके बाद लोगों ने शारदा सिन्हा का नाम 1994 में पूरे देश में जाना था, जब उनकी धुन, उनके गाने उस फिल्म में लोगों को सुनाई दिए थे, माधुरी दीक्षित सलमान खान की फिल्म में हम आपके हैं कौन। और शारदा सिन्हा उसके पहले भी लोकप्रिय थी, उनकी बाद में लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी। किस तरह से देखते हैं आप भोजपुरी जगत को, स्थानीय भाषाओं को लेकर जिस प्रकार की चेतना बढ़ रही है उसको लेकर, उनके योगदान को, खासकर छठ पर्व के आयोजन में? निश्चित ही देखिए, कल उनका देहांत हुआ है और कल जो है छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाय खाय से। और छठ पूजा का हम बिहारियों से किस प्रकार से कनेक्शन है, एक भावनात्मक, और छठ पूजा मतलब शारदा सिन्हा का वो गीत, और मतलब जो मैं कह रहा हूँ तो मेरे मतलब क्या कहें, मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि शारदा सिन्हा मतलब एक, मतलब सिर्फ बिहार की ही नहीं, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे जो एक जो जो क्या कहें, बिहारी फोक जो जो मतलब खासकर छठ के गाने, शादी ब्याह के गाने, कन्यादान के गाने, इंटरनेशनल लेवल पे पहचान देने वाली बिहार को इलाज हम लोगों के बीच नहीं रही। न्यूज लॉन्चर के तरफ से, तमाम दर्शकों के तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि मैं उनको देता हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि छठ का गाना कोई भी गा ले, लता मंगेशकर भी रहती हूँ वो गा लेती, लेकिन जो जो इमोशनल कनेक्शन शारदा सिन्हा के आवाजों में था और अभी भी है, उनको वो दुनिया से, उनका शरीर चला गया है लेकिन उनकी जो बोली है, वह स्वर है, वह गाने हैं, आज भी हम लोगों के बीच है, उनका कंपैरिजन किसी से किया नहीं जा सकता। जी
बिल्कुल आपने सही कहा। भावभीनी श्रद्धांजलि है। अब बहुत ही लोगों का मन उदास है, हालांकि छठ पूजा है, आज नहा नहाए खाए के बाद आज खरना है, कल जी शाम का अर्घ्य दिया जाएगा और परसों जी छठ की समाप्ति होगी, लेकिन बहुत ही मन दुखी है, और हमारा ही नहीं, समय मैं समझता हूँ समस्त 12-13 करोड़ बिहार वासियों का। जी जी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमाम लोग, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जहाँ भोजपुरी भाषा और बोली और समझी जाती है, झारखंड, मैं एक लाइन और कहूंगा। और भारत से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया में जो बिहारी डायस्पोरा आपको दिखता है, भोजपुरी डायस्पोरा दिखता है, उसमें आपको शारदा सिन्हा का बड़ा योगदान रहा है। मैंने देखा कि छठ पर्व मनाने के लिए लोग न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में हडसन के किनारे भी लोग जमा हो रहे हैं, ये है, और शारदा सिन्हा के गीत बज रहे हैं। खैर, हम उन्हें अपनी तरफ से एक बार फिर श्रद्धांजलि देते हैं और अब चर्चा शुरू करते हैं बिहार की सियासत में जो हो रहा है। ऋषि जी, तरारी विधानसभा सीट को छोड़ दें जहां प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन बाकी तीनों विधानसभा सीटों पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने मुकाबले को तिकोना तो बना ही दिया है। किस तरह की चुनौती आप देखते हैं नीतीश कुमार के लिए, भाजपा के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि ज्यादातर वोट तो भाजपा और तेजस्वी के काट रहे हैं। और मैं आज सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके बालों की रंगत को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने भोला पासवान शास्त्री के जमाने से बिहार की राजनीति को देखा है। एकदम बालों की रंगत आपकी बता रही है कि आपका राजनीतिक अनुभव बहुत पुराना है, इसलिए सवाल आपसे बनता है। जी देखिए, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। यदि प्रशांत किशोर इन 4 सीटों में जो नहीं, उपचुनाव ये हो रही बताइए, है आप उसमें कन्हैया यदि भिलारी जी की तरह डेंटिंग पेंटिंग क्यों नहीं करते हैं? आप पहले ये बताइए, कन्हैया भिलारी जी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, बताते हैं कि कैमरे पर बताते हैं डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं, आप उनके समकक्ष और डेंटिंग पेंटिंग बिना किए बैठ जाते हैं। अरे मेरा उम्र मात्र 36-37 साल का है उनका, वो हम लोगों के वरिष्ठ हैं, सिर्फ उम्र में ही नहीं, अनुभव जी में, नॉलेज में, और बिहार ही नहीं देश के बड़े पत्रकारों में उनका नाम आता है। देखिए एक बात मैं अब आपको बताऊं, प्रशांत किशोर चुनाव जीते या न जीते, इन 4 सीटों में जो उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, वो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन यदि अपनी प्रजेंस को बहुत मजबूती के साथ रख देते हैं तो इसका एक 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 बड़ा नैरेटिव आपको आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, एक बड़े फोर्स के रूप में उभरेंगे। यदि इन तीन जी इन 4 सीटों पर देख लीजिए, तरारी को यदि छोड़ दीजिए, हालांकि तरारी में भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक वोट उनको आएगा, अब कितना वोट आता है, कितने नंबर पे रहते हैं, हालांकि वहां सुनील पांडे के पुत्र को एज है, लेकिन लड़ाई वहां भी कांटे की, ऐसा नहीं है कि बहुत केक वाक नहीं है, फासला जी वही 5-5-10 हजारों को 10 हजारों के बीच बीच का होगा, जी लेकिन यदि प्रशांत किशोर हर जगह 30,000, 35,000, 40,000 वोट लाने में सक्षम होते हैं, जी हालांकि हो सकता है कि जैसे बेलागंज से रिपोर्ट आ रहा है कि प्रशांत किशोर के ही उम्मीदवार से बाकी लोगों का मतलब जी लड़ाई है, तो हो सकता है बेलागंज में प्रशांत किशोर की के जो उम्मीदवार है चुनाव जीत भी जाए। जी तो यदि इन 4 सीटों पे यदि अपनी प्रेजेंस दिखाने में सफल रहते हैं प्रशांत किशोर, तो बिहार में एक नए फोर्स की, एक नए राजनीतिक कोण की उदय होने जा रही है, जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं, तो एक निश्चित ही, और जी आपने बिल्कुल सही कहा, यदि आप क्या कहते हैं, आप देखें तरारी में, देखें तरारी में देखें तो जो किरण किरण सिंह है, किरण जी सिंह जो उम्मीदवार उम्मीदवार हैं जन स्वराज के, वो किसके वोट डेंट करेंगे, तो बीजेपी के वोट डेंट करेंगे। बेलागंज में देखिए तो वो जो जो जन स्वराज के उम्मीदवार है वो किसका डेंट करेंगे, तो मुसलमानों का वोट डेंट करेंगे, मुसलमानों का वोट बैंक जनरली राजद का माना जाता है, तो जी ये बात बिल्कुल सही है कि जेडीयू के तुलना में, हालांकि यदि रामगढ़ में देखें तो उनको उम्मीदवार कुशवाहा समाज से हैं, यदि वो वोट डेंट होता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी के आधार में वो सिंध लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो राजद और बीजेपी के
जो 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 सामाजिक समीकरण है उसमें अधिक सेंध लगाते हुए प्रशांत किशोर दिख रहे हैं जी। लेकिन इस सामाजिक सेंध को तो लगा रहे हैं राजद और भाजपा में, चुनाव उनका जदयू के कैंडिडेट के खिलाफ सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है बेलागंज में। सब लोग कह रहे हैं कि बेलागंज की जो स्थिति है वहां वो भाजपा के कोटे से सवर्ण खींच के ले आए हैं, राजद के कोटे से अल्पसंख्यक खींच के ले आए हैं, और पासवान उम्मीदवार चुकी उसी जिले की एक दूसरी सीट से उन्होंने पासवान को टिकट दिया है, और जीतन राम मांझी का जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो उसका स्वागत किया उन्होंने और कहा कि दलितों में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, आरक्षण का दो भागों में बंटवारा होना चाहिए जिसमें डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट के बीच यानी पासवानों और रविदासों को एक तरफ करके बाकी दलितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसी में से आधा या जो भी हो अनुपात, इसके बाद वो समुदाय भी प्रशांत किशोर के पक्ष में जैसे गोलबंद हो रहा है। ऋषि जी, जेडीयू का वोट बैंक तो फिलहाल नहीं टूट रहा है, भविष्य में टूट जाए अलग बात है, अति पिछड़ा वोट, लेकिन नुकसान जेडीयू की सीट पर सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी नीतीश कुमार के सामने आंख बंद डिब्बा गायब जैसी स्थिति हो रही है। देखिए उसका कारण भी है कि वहां जो उम्मीदवार है वो लोकल है, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं, वो एक्चुअली जेडीयू के सिंबल पे दो तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं और लोकल है, माइनॉरिटी कॉम से आते हैं और वो लोगों के बीच में हारने के बावजूद ही लोगों के बीच में एक्टिव रहे हैं। दूसरा जन स्वराज मतलब प्रशांत किशोर का एक अपना फैक्टर है, प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से लोगों को समझाया है, लोगों को मतलब एक नैरेटिव बनाने में सफल रहे हैं कि कब तक आप सड़क बिजली और ये तमाम चीजों के नाम पे वोट देते रहेंगे, क्या डेवलपमेंट के आयाम का क्या अर्थ सिर्फ सड़क बिजली है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। आज देखिए बिहार के तुलना में कई राज्यों को यदि आप डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप देखेंगे तो बिहार आज भी बहुत से ऐसे राज्य से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज देखिए ना अभी छठ पूजा है, छठ और दिवाली का अभी सीजन था, मौसम है, आप देखिए वहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन या मुंबई रेलवे स्टेशन या बड़ोदरा सूरत देख लीजिए क्या स्थिति है, वहां से आने वाले हमारे जो जो हमारे प्रवासी भाई हैं देखिए उन किस प्रकार से। सबसे खराब स्थिति तो सूरत से आई, कहा जाता है कि सूरत शहर में 7 से 8 लाख बिहारी मजदूर हैं, और ट्रेनों का जो तस्वीर आपने देखा होगा सूरत स्टेशन का, सूरत शहर के दोनों स्टेशन, सूरत हो या उधना हो, वो फुटेज तो एकदम दिल दहला देने वाली लग रही थी, जिस ढंग से वहां पर पिछले साल भी एक हादसा हो गया था। आप भी देखिए ना, मैं 2013-14 में क्या कहते थे, रेलवे में लोगों को टिकट के लिए प्रतीक्षा नहीं करने पड़ेगी, वेटिंग खत्म करने के दावे और तमाम चीजों के दावे, कहां गए वो सब दावे, जो आप देखिए ना बना रहे हैं उसमें अलग से वहां पर हादसा हो जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट। अब ये प्रशांत किशोर की इस बात से सहमत हैं कि 26 सांसद वाले गुजरात के जो लोग हैं वो उद्योगपति बनेंगे, और ये 40 सांसद वाले और यदि झारखंड को जोड़ दीजिए तो 54 सांसद वाले जो राज्य हैं उनके लोग वहां मजदूरी करेंगे। आज देखिए मैं मुजफ्फरपुर में बैठा हूँ, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का जो अधिकतर काम है गुजरात के लोगों को दिया गया है। अब समझ जाइए मुजफ्फरपुर बिहार के एक छोटे से जिले स्मार्ट बना मुजफ्फरपुर, अब कितना स्मार्ट बना तो आप देखे ही हमारे घर के आगे कितना पूरों का अंबार था। आप जब दिल्ली में रहते हैं तो इतना बेहतरीन दिखते हैं, मुजफ्फरपुर जाने के बाद आपकी स्मार्टनेस गायब हो गई है। अब ये आप सुनिए ना मेरी बात, आप देखिए मुजफ्फरपुर कितना स्मार्ट है, मुजफ्फरपुर की स्मार्टनेस इतनी अच्छी है कि हमारे घर के सामने मतलब कम से कम 10 ट्रैक्टर से अधिक जो कूड़ों का अंबार था वो तो आप भलमानस समझिए, एक कर्तव्य निष्ठा समझिए। हमारे एक यंग आईएएस का मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनका नाम विक्रम बिरकर है, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज था, फिर भी वो बेचारे प्रयास किए और हमारे घर के सामने से वो कूड़ा हट पाया। तो ये एक मैं कह रहा हूँ कि हर चीज जो है आप गुजरात और गुजरातियों को दे रहे हैं, तो ये बिहारी क्या हमेशा मजदूरी के लिए बने हुए हैं क्या? बिहार आपके आपके जो कल कारखाने हैं वहां मजदूरी करेंगे क्या? बिहार में कल कारखाने कब खुलेंगे? और नीतीश कुमार बड़ा अच्छा बहुत बेहतर ढंग से समझा देते हैं कि एक डर दिखाते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी हाँ, तो भैया सिर्फ आप गांवों को
सड़कों से जोड़ दिए हैं, बिजली ठीक ठाक ही है। ये बात मैं मानता हूं कि जो पहले के तुलना में बिजली 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 जो है मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो है 15-20 घंटे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमको हम लोगों को रोजगार नहीं मिले, हम लोगों को शिक्षा नहीं मिले, हम लोगों को हेल्थ सुविधा नहीं मिले। ऋषि जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैंने बेलागंज में हमारे एक मित्र हैं, सवर्ण समुदाय से आते हैं, मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग 13 नवंबर को, तो उनका जवाब आया है, थोड़ा कोड वर्ड में है समझिए, वो श्रीदेवी की एक मूवी के गाने को जो है उन्होंने एक लाइन लिख करके भेजा है, पहला संदेशा मियाँ जी का आया। अब बताइए इसके क्या मतलब है, इसका मतलब आप बताइए, आपके मित्र हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने उन्हें वही रिप्लाई किया, अभी मैं वही रिप्लाई कर रहा था, किसका मतलब समझाइए, आपको क्या लगता है? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बेलागंज में यदि मुसलमानों का झुकाव जन स्वराज के उम्मीदवारों के प्रति होता है तो अग्रिज मतलब अग्रे समाज का वोट भी उनके साथ क्लब हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए जो मेन फोर्स, दो मेन फोर्स होते थे जेडीयू और आरजेडी, दोनों ने यादव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, और एक परिवार का तो कई वर्षों से प्रभुत्व है वहां पे, तो उसका कैंटीन का मेन सी। दूसरा अग्रों को लगेगा कि भाई हमेशा यहाँ पक्ष हो या विपक्ष, यादव ही रहेंगे क्या जी? मुसलमानों को ये लगता है कि भाई हम तो करके भेज रहे हैं मुसलमानों को, मैं सुन तो लीजिए, मुसलमानों को ये लगता है कि मैं तन मन धन से यादवों के साथ लगता हूँ, जब यादव उम्मीदवार राजद से आते हैं तो हम लोग तन मन धन से उनका सहयोग करते हैं। क्या इस बार राजद जो है किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे सकती थी? तो ये एक जो भावनात्मक जो अपील है ग्राउंड पे, ये बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसका फायदा कितना जन स्वराज के उम्मीदवार को मिलता है, हालांकि दोनों राजद और जेडीयू के उम्मीदवार दोनों धनबली हैं, पैसा की कोई कमी नहीं है। एक के यहाँ एनआईए ने कुछ दिन पहले छापा मारा था। अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, उनके पास ये इनके अलावा कोई उम्मीदवार नहीं था क्या, कोई साफ स्वच्छ छवि के उम्मीदवार देते? उनके जो बेटे हैं रॉकी यादव, उनकी छवि क्या है? यही मैं अपील राजद से करता हूँ, सुरेंद्र यादव के अलावा, उनके परिवार के अलावा कोई आपस कार्यकर्ता नहीं था जिसको आप टिकट देते? पिता सांसद और उनके पिता सांसद, पिता के बाद बेटा वहां का विधायक बनेगा और कार्यकर्ता जाएगा भाड़ में, खून पसीना एक करेगा कार्यकर्ता, नेता बनेगा सांसद का बेटा जी, तो ये परिपाटी खत्म होनी चाहिए। ऋषि जी एक बड़ी अजीब चीज रामगढ़ से खबर आ रही है, रामगढ़ में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, ये दोनों कुशवाहा मतदाताओं को भाजपा कैंडिडेट के पक्ष में, भाजपा के राजपूत उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे। क्या देखिए वहां दो समीकरण है, राजद के MY में डेंट कर रहे हैं बसपा के यादव उम्मीदवार, और बसपा के जो यादव उम्मीदवार हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं। अब कितना डेंट कर पाते हैं, कितना डेंट कर पाते हैं ये देखना होगा, कितना तेजस्वी यादव यादवों को समेट पाते हैं वोटिंग के दिन ये देखना होगा। दूसरी तरफ BJP का जो कोर वोट बैंक है कुशवाहा, जनरली कोड़ी कुर्मी जो है वो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। यदि कुशवाहा प्लस, देखिए एक बात जान जाइए, एक 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 बड़ा सा इक्वेशन क्या बना है, जो उम्मीदवार हैं जिस जाति के हैं उनका वोट तो टूटेगा ही, प्लस प्रशांत किशोर के नैरेटिव से तैयार किए गए वर्ग, जो युवा वर्ग जो बिहार से बाहर रहते हैं, गैर राजपूत सवर्ण वहां पर कह सकते हैं आप, और दलित कह सकते हैं वो नहीं नहीं, उसमें मैं किसी कास्ट को नहीं जोड़ता हूँ, उसमें सभी लोग हैं। अब ऐसे युवा जो बाहर रहते हैं चाहे वो किसी भी जाति से हैं, छठ में आए हुए हैं, ये युवा वर्ग जो है, या युवा वर्ग ही मत कहिए, प्रवासी बिहारी कहिए, वो इन दोनों इन दो घटकों के
वर्किंग स्टाइल से उब चुके हैं, चाहे वो राजद का शासन काल रहा हो या वो जेडीयू का शासन काल रहा हो। अब कुछ नया चाहते हैं आप ही एक ही होटल में खाते खाते या एक ही मतलब जो जो खाना बनाने वाला यदि आपके घर में आता है उसके हाथ से खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं, कुछ नया चाहिए। और प्रशांत किशोर सपना दिखा रहे हैं कि भैया आप हमें लाइए और देखिए हम बिहार को कौन सा सौगात देते हैं जी। तो ये जो जो प्रशांत किशोर एक वर्ग तैयार कर लिए हैं वो कितना ट्रांसफर हो पाता है ये देखने की जरूरत है। और ये इस बात से आप सहमत हैं होंगे कि बिहार में एक बड़ा वर्ग जो है प्रशांत किशोर के अपील के बाद, प्रशांत किशोर के मतलब जन संवाद के बाद तैयार हुआ है, जो इन दो जो मतलब जेडीयू आरजेडी के जो खेमा है उनसे अलग सोचते हैं, अलग इतर सोचते हैं, जात पात से ऊपर सोचते हैं। तो एक कहीं ना कहीं देखिए मैं आपके बात से सहमत हूं कि विधान ये उपचुनाव में प्रशांत किशोर कोई बड़ा करिश्मा कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन यदि इन चार सीटों पे ठीक ठाक वोट लाने में सफल रहते हैं तो आप समझ लीजिए बिहार में नए राजनीतिक समीकरण का उदय होने जा रहा है। नए राजनीतिक समीकरण के उदय की बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल इसमें और बड़ा कौतूहल पैदा करता है ऋषि जी कि छठ के समय 2005 से चुनाव हो रहा है बिहार में विधानसभा का, 2005 का दूसरा चुनाव, 2010, 2015 और 2020, चार बार हो चुका। और छठ के समय में जब 2005 में चुनाव हुआ तो जो कोर कसर 2005 की फरवरी वाले चुनाव में बाकी रह गई थी, यानी जो प्रवासी बिहारी उस वक्त थे वो उस वक्त नहीं पहुंचे थे घर वोट डालने, वो प्रवासी बिहारी जब छठ के समय 2005 के नवंबर में वोट डाले तो जात पात से काफी हद तक ऊपर उठकर ऐसा मतदान उन लोगों ने किया कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी। और उसके बाद 2010 में भी मतदान किया उन्हीं वोटर्स ने, तो 2010 में भी नीतीश को 5 साल का कार्यकाल, तो बिहार में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2005 से 10 के बीच जो नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया वो अविस्मरणीय है, उसको कोई भुला नहीं सकता। और उसी काम की बदौलत अभी भी नीतीश कुमार टिके हुए हैं। ये बात और अलग है कि जैसे हर दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है उसी तरह से राजनीति में एक ही मुद्दे को बार बार नहीं भुना सकते, लेकिन लंबा समय तक उन्होंने भुना लिया इसे। 2015 में भी छठ के समय चुनाव हुआ, 20 में भी हुआ, चिराग मॉडल नहीं होता तो इतनी कम सीटें नहीं होती। अब यही फैक्टर इन पर भारी पड़ता दिख रहा है। क्या आपको लगता है 13 नवंबर का मतदान यदि एनडीए के लिए भारी पड़ गया तो क्या नीतीश कुमार, दो सवाल यहां उपस्थित है कि अगर 13 नवंबर का मतदान यानी छठ के वक्त का मतदान, उपचुनाव का छठ के वक्त का मतदान अगर नीतीश कुमार और एनडीए पर भारी पड़ गया, तो दो सवाल जो यहां पर है वो ये है, क्या नीतीश कुमार अगले साल जो छठ के समय ही चुनाव प्रस्तावित है क्या वो कराएंगे, और दूसरा सवाल कि एनडीए में उनके बने रहने और उनको उनके एनडीए से नाता तोड़ लेने को लेकर, यानी बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराने को लेकर जो अटकलों का दौर चल रहा है, क्या नीतीश कुमार बहुत तेजी से दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? देखिए हर आदमी एक सुरक्षित घर सुरक्षित स्थान ढूंढता है। यदि नीतीश कुमार को लगेगा कि यदि बीजेपी का कोर वोट बैंक उनको ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो नए समीकरण की तलाश में तो नए घर ढूंढेंगे ही ना। और देखिए ऊपरी तरह मतलब ये एक होता है ना कि अपने बचाव में लोग कहते हैं, जैसे इन चार सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें सिर्फ एनडीए का एक मुझे लगता है गया का जीताराम मांझी वाली सीट है, बाकी तो आरजेडी की सीट है, चार में से तीन जो है महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सीट है, ठीक है, और एक एक जो है जीताराम मांझी के सांसद होने के कारण जो सीट खाली हुई है वो है जी। तो ये कहेंगे कि भैया ये तो सीट आरजेडी की थी, यदि हार जाते हैं तो फेस ऑफ करने के लिए ये कहेंगे कि भाई ये तो आरजेडी की सीट थी, हमारी सीट भी नहीं थी, ठीक है आरजेडी की सीट है वो अपना मेंटेन कर लिया, और इन सीटों से सरकार के स्टेबिलिटी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जरूर इस बात का मतलब विचार करेंगे कि हमने मनोरमा देवी को टिकट दिया, यादव समाज से हैं,
क्या उनमें जो बीजेपी के जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के जो नेता है वो ट्रांसफर कराने में सफल रहे या नहीं रहे। और मनोरमा देवी का हारना, बेलागंज से मनोरमा देवी यदि हारती हैं तो नए राजनीतिक शुरुआत, जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेटस में है कि जाए न जाए, जाए न जाए, उसकी शुरुआत हो सकती है। और क्या छठ के समय वो फिर चुनाव कराने का रिस्क लेंगे अगले साल की पहले कराने? नहीं नहीं, देखिए जब कभी भी चुनाव करेंगे, देखिए मैं तो ये मानता हूं कि ये चुनाव जो है 2025 में ही होंगे, लेकिन 2025 के पहली तिमाही में हो सकता है ये चुनाव जी। ये छठ उठ, क्योंकि प्रशांत किशोर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर यदि इन चार सीटों पे 20-25 हजार 30 हजार 40 हजार वोट लाने में सफल रहते हैं तो ये रिस्क ना नीतीश कुमार लेना चाहेंगे ना ये रिस्क भाजपा लेना चाहे। और भाजपा जो आनाकानी कर रही है पूर्व चुनाव कराने से, भाजपा भी बचना चाहेगी। जैसे जैसे प्रशांत किशोर मजबूत होते जाएंगे आप समझ जाइए नुकसान इन दोनों गठबंधन को होगा, राजद को भी होगा और बीजेपी को भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रशांत किशोर के एंट्री से राजद को नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, बीजेपी को नहीं होगा। नहीं लेकिन ऋषि जी यही अब समझ में नहीं आ रहा, सबको रुचि, देखिए रामगढ़ में लोगों को ज्यादा रुचि नहीं है, तरारी में भी लोगों को रुचि नहीं है, जीतन राम मांझी की बहू जहां चुनाव लड़ रही है लोगों को रुचि नहीं है, लेकिन जहां नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है बेलागंज में, वहां सबकी रुचि है कि भाजपा के कोर वोटर उन्हें वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। और वहां से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं दावे के साथ उनकी बात को नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि वहां के जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, मियां जी जिनको लोग कहते हैं मुस्लिम वोटर, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग रणनीति के तहत अमजद को वोट दे रहे हैं, ये खबर आ रही है कि ताकि झुक करके नीतीश कुमार को मजबूर किया जाए कि देखिए उधर आपका गुंजाइश नहीं है, उधर चिराग मॉडल से भी बड़ा धोखा हो जाएगा, आप जल्दी लौट के आ जाइए इधर। ये रणनीति जो सामने आ रही है कहां ले जा रही है? देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि दो तीन ऐसे कारण हैं जिसके कारण, और देखिए मैं आपको इस पहले जो कार्यक्रम आपने किए थे उसमें भी मैंने कहा था कि मुसलमानों का यदि ट्रैक देखें खासकर बेलागंज का, इन 20 सालों में वो टूटते नहीं है, डिवीजन नहीं होता है। और यदि आप इन 20 सालों के उस विधानसभा के इतिहास को यदि टटोलेंगे, चाहे कांग्रेस बसपा या तमाम निर्दलीय उम्मीदवार इस कौम से उतर गए, लेकिन फिर भी वोटों का डिवीजन नहीं हुआ। तो आपके बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। यदि मुसलमानों का वोट एक तरफा जन स्वराज के उम्मीदवार को मिलता हुआ यदि वहां के मतलब जो फॉरवर्ड समाज है देखेंगे, तो हो सकता है कि फॉरवर्ड समाज का वोट इधर ट्रांसफर हो जाए जी। और मैं ये बात भी मैंने इनिशियल ओपनिंग में कहा, इनिशियल स्टेटमेंट में कहा कि अभिषेक जी कि वहां के मुसलमानों में बात का दर्द मर्म है कि भाई राजद ने जब जब जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया हम लोगों ने तन मन धन के साथ उसके साथ लग गए, लेकिन जब हमारी उम्मीदवारी देने की बात आती है तो आप एक परिवार के लोगों को ही चुनते हैं, ऐसा क्यों? मैं जनता से, मान लीजिए पत्रकार को ऐसे ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे लोगों को हराइए जो अपने आप को उस क्षेत्र के बाप मान बैठे हैं, चाहे वो गया के बाप हो या जहानाबाद के बाप हो, समझते हैं कि मेरी बपोती है जी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नए लोग आएंगे भाई, जो पार्टी में हर पार्टी में कार्यकर्ता खून पसीने एक कर देते हैं अपने पार्टी के लिए, जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, 30 अपने जवानी के 30-40 साल दे देते हैं, और नेता बनेगा, विधायक सांसद बनेगा एक ही परिवार का बेटा बेटी, और मुख्यमंत्री बनेगा एक ही परिवार का बेटा बेटी। तो ऐसे परिपाटी को खत्म करने की जरूरत है। और बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ कि यदि बेलागंज के नतीजे जेडीयू यानी एनडीए के अनुरूप नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार को नए इक्वेशन
की तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको राजनीति में अभिषेक जी राजनीति में आप तभी आपकी प्रासंगिकता बनी रहेगी जब आप सत्ता में रहेंगे, जब आपके अधिक विधायक और सांसद चुन के आएंगे जी। मान लीजिए हम बहुत बड़ा स्टार हैं, और जैसे राज ठाकरे साहब है बहुत बड़ा स्टार है, उनका हाय बाय जाए ऐसे देखिएगा, जैसे मोदी का भी उतना हाय बाय एग्रेशन नहीं रहता है। विधायक एक भी नहीं, सांसद एक भी नहीं, साथ पार्षद भी एक दो तीन होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, और उनका बॉडी लैंग्वेज ठसक देखिए, उसका ठसक देखिए राज ठाकरे का, पत्रकारों से तो ऐसे बात करते हैं जैसे ऐसे ऐसा बॉडी लैंग्वेज तो प्रधानमंत्री मोदी का भी नहीं है। नहीं, वो मैंने देखा था राजदीप सरदेसाई के साथ, वो जिस अंदाज में बात कर रहे थे, कोई भी सभ्य व्यक्ति इस अंदाज को स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये उद्धव ठाकरे से मैं अक्सर मिलता रहता हूँ, मुलाकात होती है महाराष्ट्र के बहुत सारे राजनेताओं से, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात हुई कई बार, बड़े ही विनम्र, आपको लगेगा नहीं कि इतना सज्जन आदमी राजनीति में भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे की अपनी कमजोरियां हो सकती है राजनीति में, हर आदमी में होती है कुछ ना कुछ कमजोरियां, कुछ ना कुछ ताकत, लेकिन जहां विनम्रता और व्यवहार की बात है, ऋषि जी आप सोच नहीं सकते कि इस देश में शायद ही कोई राजनेता उद्धव ठाकरे जितना बेहद विनम्र आपको मतलब उंगलियों पर गिनने वाले लोग भी मिल जाए तो कम ही होंगे, इतना विनम्र इतना शालीन। लेकिन वही बिहार की राजनीति में शालीनता विनम्रता उससे ऊपर अब राजनीति जा चुकी है, और राजनीति वहां जा चुकी है जहां मैं बताया अभिषेक जी जानते हैं, मैं तो राज ठाकरे का बॉडी लैंग्वेज ठसक देख के तो घूम रहता हूँ भाई, इनकी एक विधायक नहीं है। अब बेटा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं अमित ठाकरे, चुनाव जीत जाए तो बहुत बड़ा करिश्मा होगा। अब शिंदे जो एक जमाने में बाला साहब ठाकरे के दरबार में शिंदे की क्या हैसियत थी, अब शिंदे का समर्थन लेना पड़ रहा है बेटे को चुनाव जिताने के लिए, और ठसक देखिए राज ठाकरे का, जैसे नरेंद्र मोदी का भी हुआ, राहुल गांधी का भी, वो ठसक नहीं हुआ जी, वो होता है राजनीति में, क्या कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और राजनीति में ठसक होती है, लेकिन ठसक की राजनीति को इन चुनाव के मौके पे छठ के वक्त जो चीजें देखने को मिल रही है, एक तरफ सूरत दिल्ली लुधियाना ट्रेनों की जो तस्वीर आ रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को फिलहाल तो दूसरे के पाले में जाते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन कभी भी जाते हुए देख सकते हैं। जी ऋषि जी कुछ कह रहे हैं। अब जो हमारे प्रवासी बिहारी भाई जो ट्रेन में आए होंगे, उनके उनके साथ जो समस्याएं आई होंगी, वो जो उनका मिजाज गर्म होगा, यदि वो वोटों में टर्नआउट हो गया तो फिर क्या होगा नीतीश कुमार जी का, फिर क्या होगा तेजस्वी यादव का, जी समझने की जरूरत है, क्योंकि यही दो 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 परिवार हैं, ये दो पार्टी है बिहार में, कई दशकों से शासन कर रहे हैं। वोट बैंक का ऋषि जी, वोट बैंक का कबाड़ा हो रहा है तेजस्वी यादव का, अमजद जो वोट ला रहे हैं तेजस्वी यादव का, वोट बैंक का कबाड़ा हो रहा है भाजपा का, वोट बैंक का कबाड़ा हो रहा है चिराग पासवान का, लेकिन दुबले हुए जा रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में, ये बड़ी अजीब है। चलिए इसी बहाने बिहार में तो कम से कम कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। देखिए एक बात मैं कहूंगा, समय आपका खत्म हो रहा है, एक बात कहूंगा कि ये दो जो घटक हैं, ये अपने आप को बिहार के बाप समझने लगे थे, बपौती अपनी बपौती समझने लगे थे, या पक्ष या विपक्ष, अब तीसरा कौन भी आ गया है ना, कि भैया अब तुम दोनों नाटक करोगे तो भाई उधर भाग जाएंगे हम, तो काम करके दिखाओ, कंपटीशन की भाव तो आएगी ना। जैसे राजस्थान में है, क्या कोई भी सत्तासीन हो अगले 5 साल में सत्ता हुआ वहां सत्ता से रिप्लेस कर देता है, तो काम करके दिखाइए, ये नहीं समझिए कि बिहार बना लेती है जनता। हाँ हाँ, ये नहीं कि आपकी बपौती बिहार आपकी बपौती नहीं है, एक परिवार और एक विचारधारा की बपौती नहीं है कि 20 साल से 30 साल से हम ही सत्ता में रहेंगे और बिजली सड़क दे देंगे, कहेंगे कि भैया 2005 से पहले कुछ था जी, और उधर 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 के लोग कहेंगे भैया मैं तो बन गया, मेरा बेटा जो है ऋषि जी के बाल काले थे 5 के पहले, बिहार 4 दिन हुआ गए हुए और ऋषि जी के बाल सफेद हो गए, बिहार में ये स्थिति हो गई है। खैर अब जो भी हो, कल से फिर काले दिखेंगे ऋषि जी के बाल, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी जल्दी, हमारे दर्शक भी उम्मीद रखते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जिस डेंटिंग पेंटिंग की उम्मीद कर रही है, बिना फिलहाल अपने वोट बैंक को गंवाए, सबसे ज्यादा असर सबसे ज्यादा प्रभाव इस उपचुनाव में किसी पर पड़ रहा है, गोलबंदी कहीं हो रही है, वोट किसी का टूट रहा है, लेकिन सियासत नीतीश कुमार की डोल रही है, तो इस डोलती हुई सियासत को बचाने के लिए क्या 24 नवंबर को
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयते उलेमा हिंद की रैली के माध्यम से नीतीश कुमार अपनी अगली रणनीति का आगाज करने वाले हैं। सब कुछ तय होगा कि 13 तारीख को बेलागंज क्या फैसला सुनाता है। छोड़ दीजिए रामगढ़ का नतीजा, छोड़ दीजिए तरारी का नतीजा, छोड़ दीजिए इमामगंज का नतीजा, हालात तो बेलागंज को ही तय करने हैं। बेलागंज ही तय करेगा और ये गंज जहां आ जाता है नीतीश कुमार की सियासत को तय कर देता है। याद कीजिए 5 जून 2013 जब महाराजगंज, वहां भी गंज लगा हुआ था, महाराजगंज का लोकसभा उपचुनाव का नतीजा आया और साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में नीतीश कुमार थे। तब नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर मतभेद जरूर चल रहे थे लेकिन उस वक्त तक अलायंस में थे और भाजपा के कोर वोटर ने जेडीयू कैंडिडेट पीके शाही का साथ नहीं दिया था, साथ दे दिया था राजद के प्रभुनाथ सिंह का। ऋषि जी हम सही है गलत? और 12 दिनों के भीतर अलायंस टूट गया था बिहार में, 12 दिनों के भीतर अलायंस टूट गया था। 5 जून को नतीजा आया, 17 जून को अलायंस टूट गया था। तो जिस चुनाव क्षेत्र में गंज होता है और उस गंज में उपचुनाव आ जाता है तो फिर उसके बाद बिहार की सियासत में पलटा पलटी की गुंजाइश बढ़ जाती है, सबके कोर वोटर का भी लिटमस टेस्ट सामने आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, इतने साफ गोई के साथ, इतनी साफ साफ बिहार की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आपने जिस अंदाज में बातें कही, इसके लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।